हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सर्दी खांसी को अरबी में कैसे कहा जाता है, पेट ख़राब है तो कैसे कहोगे, अगर आप बीमार हो जाते हो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर से कैसे बात कर सकते हो, अपनी तकलीफ डॉक्टर को कैसे बताओगे, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपको पूछना है डॉक्टर कहाँ है, तो आप कहोगे वैन तबीब डॉक्टर कहाँ है। जिस जगह पे डॉक्टर हुआ तो वो आदमी आपको कह सकता, कोई भी स्टाफ हो हॉस्पिटल का तो आपको कह सकता हुना, हुना का मतलब होता है वहाँ, हुना हुना का मतलब होता है वहाँ। और अगर डॉक्टर मौजूद नहीं है तो वो आपको कहेगा अलहिन माफ़ी मौजूद, अभी नहीं है, अलहिन माफ़ी मौजूद अभी नहीं है। तो आप उससे सवाल कर सकते हो कम सा ईजी तबीब डॉक्टर कब आएगा, कम सा ईजी तबीब डॉक्टर कब आएगा। अब अगर आपको बुखार आ रहा है तो आप कहोगे डॉक्टर को कहोगे आना हरा रही जी, आप डॉक्टर को कहोगे आना हरा रही जी, हरारा आना मतलब मुझे, मैं हरारा बुखार, ईजी मतलब आ रहा है, आना हरारा ईजी मुझे बुखार आ रहा है। तो वो आपसे पूछ सकता है, डॉक्टर पूछ सकता है कि कितने दिन से आ रहा है, तो वो कहेगा कम यौम कितने दिन से आ रहा है, कम यौम कितने दिन से आ रहा है। तो आप इस तरीके से कहोगे अरबा यौम चार दिन से, अरबा यौम चार दिन से आ रहा है। तो आपको जितने दिन से भी बुखार आ रहा है आप कह सकते हो कि हाँ चार दिन से आ रहा है, पाँच दिन से आ रहा है, तो आप अरबा की जगह खमसा लगा सकते हो, वाहिद लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप डॉक्टर को बता सकते हो कि आपको अगर बुखार आ रहा है तो कितने दिनों से आ रहा है। बतन खराबान का मतलब होता है पेट ख़राब, अगर आपका पेट ख़राब है तो आप कहोगे बतन खराबान पेट ख़राब है। अगर आपको बॉडी पार्ट में कहीं भी दर्द हो रहा है तो उस जगह पे आप अपना हाथ रख करके कहना हीना अल्म यहाँ यहाँ दर्द है, हीना अल्म यहाँ दर्द है। अगर आपके कान में दर्द है तो आप कहोगे उजुन आज़ा अल्म कान के अंदर दर्द है, कान के अंदर दर्द है, उजुन आज़ा अल्म कान के अंदर दर्द है। कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, काहा काहा का मतलब होता है खांसी, काहा काहा का मतलब होता है खांसी। हरारा हरारा का मतलब होता है बुखार, हरारा हरारा का मतलब होता है बुखार। जुखाम जुखाम का मतलब सर्दी, जुखाम जुखाम का मतलब सर्दी। अल्म अल्म का मतलब होता है दर्द, अल्म अल्म का मतलब होता है दर्द। दर्जा हरारा का मतलब टेम्परेचर। सुदाई सुदाई का मतलब होता है सरदर्द, सुदाई सुदाई का मतलब होता है सरदर्द। बारिद का मतलब होता है ठंडी, बारिद बारिद का मतलब होता है ठंडी। तबीब तबीब का मतलब होता है डॉक्टर, तबीब तबीब का मतलब होता है डॉक्टर। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा का मतलब होता है हॉस्पिटल, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा का मतलब होता है हॉस्पिटल। अब अगर आपको किसी से पूछना है कि हॉस्पिटल कहाँ है तो आप कहोगे वैन मुस्तफ़ा हॉस्पिटल कहाँ है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।